दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में चावल से भरे ट्रक के लूट का मामला खुल गया है इस केस में पुलिस ने एक लुटेरे और चावल डीलर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने 510 क्विंटल चावल वारदात में इस्तेमाल कार तीन मोबाइल एक ट्रक और खाली कंटेनर जब्त किया है आरोपियों की पहचान अब्दुल उर्फ शानू व खरीददार श्याम बहादुर उर्फ भोला ठाकुर के तौर पर हुई है डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आरपी मीना ने बताया 19 फरवरी को सराय काले खां इलाके में लूट की वारदात हुई थी शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो अलीपुर से सत्ताईस टन चावल ट्रक से लेकर चला था रास्ते में लिफ्ट लेकर दो लोग ट्रक में सवार हो गए उन्होंने ट्रक को सराय काले खां में रुकवाया था दोनों लोगों ने चालक को बंधक बना लिया अगले दिन सुबह ड्राइवर को सफ़ेद रंग की कार में शिफ़्ट कर उसे चंदौसी गांव यूपी में कहीं फेंक दिया पीड़ित ड्राइवर के दिए गए बयान के आधार पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार की निगरानी में सराय काले खां चौकी इंचार्ज प्रदीप शर्मा सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुख्य आरक्षक अभिलाष को शामिल कर टीम बनाई गई और जांच शुरू की गई। कुल बारह अलग अलग टीमों को मामले की जाँच में लगाया गया पुलिस उपायुक्त ने बताया कि टीम ने तीन किलोमीटर की दूरी पर लगे दो से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जाँच की एक टीम को मोबाइल सर्विलांस पर तो दूसरी को वारदात वाली जगह से दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रूटों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगा दिया गया और तीसरी टीम को मेरठ हाईवे पर भेज दिया गया जो दिल्ली से करीब 200 सीसीटीवी फ़ुटेज को चेक करते हुए ऊपर के चंदौली जा पहुंची जहां से टीम को खाली कंटेनर मिला लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी वहां से फिर उस कार पर नज़र रखी गई जो दिल्ली से अपहरित किए गए कंटेनर के पीछे पीछे चल रही थी सीसीटीवी के जरिए पुलिस को चावल के एक व्यापारी का पता चला कारोबारी श्याम बहादुर के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पांच मामले पहले से ही दर्ज हैं इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित को गिरफ़्तार किया और उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपित को गिरफ़्तार किया पुलिस ने मुख्य आरोपित अब्दुल उर्फ़ शानू के कब्ज़े से लूटे गए चावल के पाँच बोरी बरामद की है श्याम बहादुर के मोबाइल की सीडीआर निकालने के बाद पुलिस को वारदात में शामिल आरोपी का लिंक मिल गया श्याम बहादुर से पता चला ट्रक अब्दुल अठारह उन्नीस की दरमियानी रात लेकर आया था आरोप का पता चल जाने पर पुलिस ने उसे बदायूं से दबोच लिया चावल को लेने के बदले चावल डीलर ने आरोपी को बारह हजार रूपये भी बयाना के तौर पर दे दिए था आरोपी अब्दुल उर्फ शानू ने खुलासा किया वो परिवार के साथ पुल प्रहलादपुर इलाके में रहता है पेशे से ड्राइवर है अपने साथियों के संग मिलकर ट्रक लूट की वारदात करता है उसने स्कूटी से ट्रक को बदायम तक फॉलो किया था इसके बाद चावल कारोबारी से संपर्क कर उसे सारा माल दे दिया बदले में टोकन मनी के तौर पर बारह हजार रूपये रख लिए थे लूट के चावल उसने अपने गांव के नज़दीक रखे थे शाम बहादुर चावल का डीलर है वो बदमाशों से चावल सस्ते दाम पर खरीदता था बाद में ल को अच्छे दाम पर बेच देता था सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विजय कुमार दिवाकर की रिपोर्ट अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें